हेलो। हाँ बोल राकेश। अरे यार, क्या कर रहे हैं? कैसे हैं? कुछ नहीं, तू बता आज कैसे याद किया? अरे बस ऐसे ही, छोड़ना। बोल, क्या कर रहा है? कैसा है? क्या हुआ, परेशान सा लग रहा है? अरे कुछ नहीं, वो पता है ना तेरे को, मेरी बंदी। कौन, मेहर? हाँ वही महर। उसका क्या हो गया? अरे परेशान कर रखा है यार, फ्रीडम ही नहीं है रिलेशनशिप में। कुछ 6 साढ़े 6 महीने हो गए रिलेशनशिप में, घंटा भी मतलब फ्रीडम नहीं है मेरे को। कुछ कुछ भी करूँ तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछती है। तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया उसके क्वेश्चंस के आंसर दे के। तंग कर अरे यार, रखा है यार। तो प्यार करती है ना तुझसे पागल, तो क्या रह लूँ क्या? मेरे को नहीं रहना है उसके साथ अब। तो तेरे से प्यार करती है ना, ऐसा क्यों कर रहा है? तो बस मुझे नहीं रहना है, और क्या करूँ मैं, क्या कर सकता हूँ? तू बता, फालतू में परेशान। ये कर लो, वो कर लो, खाना नहीं खाया तो प्रॉब्लम भाई, भूख नहीं है तो नहीं खाऊंगा ना। तो यार प्यार करती है, जब भी तो ये सब करती है। नहीं यार, बट मैं रहना ही नहीं चाहता उसके साथ, बस बहुत हो गया अब। फिर किसके साथ रहना चाहता है? पता नहीं यार, छोड़। क्या हुआ है, बताएगा ठीक से? अरे वही साहब, पता है क्या, कल बहच के आंख, वो गीतिका है ना, उसको प्रपोज कर दिया मैंने। उसको प्रपोज कर दिया, हाँ और इसका ये मेरे को नहीं पसंद आ रही यार, बहुत परेशान कर रही है, मेरे को छोड़ना है इसको बस। तो यार एक काम कर, इसको छोड़ देना। जो उसके प्रपोज कर दिया, वो रिलेशन में आ गई तो एक के साथ रहे, कब तक तो बंदियां चलाएगा ऐसे? तो सुन, तो बोल। कल वो गीतिका से चैट कर रहा था, इसका कॉल आ गया और पूछने लग गई किससे बात कर रहे थे। मेरा ध्यान नहीं था इसके ऊपर, मैं चैट पे बिजी था। तो क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ऐसा वैसा। इतना पागल कर दिया बे बंदी ने, बहुत पूछ पूछ के। मैंने बोल दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप पे बात कर रहा हूँ, तो बोलती है कभी इंस्टा ग्रुप पे, कभी फेसबुक ग्रुप पे, कभी व्हाट्सएप ग्रुप के। कितने ग्रुप है तुम्हारे? इतने? तो उसने मेरे से इंस्टा आईडी पासवर्ड, एफबी पासवर्ड भी ले लिया बे। अभी खैर मैंने तो अरे चेंज यार, कर दिया सब, फालतू पकड़ा जाता। बाकी सारी चैट्स वैट्स डिलीट कर दी मैंने। तो एक काम कर, अब उसको छोड़ और गीतिका के साथ ही रह ले। कब तक लड़कियां घुमाता रहेगा, एक ही के साथ रह ले पागल। देखो तो पता है यार, उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। अब वो तो जा चुकी है ना, जिसकी तू बात कर रहा है। रू यार, हाँ तो वो जा चुकी है ना, देखो पता है ना, उसका नाम अब क्यों ले रहा है? देखो पता है ना कितनी फीलिंग्स है उसके लिए। आई नो यार, जानता हूँ, बट अब वो जा चुकी है ना, अब उसको भूल जा। ऐसे कैसे भूल जाऊँ? तो याद करने से पता कुछ है, हो हर जाएगा? हर बार जब भी उसके उससे बात करता हूँ तो आरू की फीलिंग आती है। लगता है वो अभी है, उससे बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उसको धोखा दे रहा हूँ जब भी इससे बात करता हूँ। वो भी नहीं है, इसके साथ भी मन नहीं लगता हूँ। परेशान हो गया हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ, किसके साथ रहूँ, क्या करूँ? ऐसा कोई दिल लगाने वाली मिल ही नहीं रही है जिससे मुझे फीलिंग हो, वही वाली जो उसके साथ होती थी। बहुत परेशान हो गया हूँ भाई। अब तू गीतिका के साथ रहे और उसको बेकार में अंधेरे, मतलब उसको ही बता दे, या उसको छोड़ दे और गीतिका के साथ रहे यार, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, कब तक ये सब करेगा? गीतिका के साथ ही रहे अब तू, ठीक गीतिका भी छोड़ गई तो है यार? अभी ये सब क्यों सोच रहा है, अभी उसके साथ रह ले, तो बाकी इसको की कैसे जो होगा छोड़ू? मेहर को बोल देना उसको डायरेक्टली, मुंह पे बोलू और क्या करेगा? कैसे? मेरे को नहीं रहना है एंड ऑल दैट। वो मरने मरने की बातें करती है यार, हार्ट काटेगी, यही करेगी, वो अरे करेगी, हाथ काट के फोटो भेजेगी, या तो सुसाइड की बातें करेगी। तुमने मुझे छोड़ा तो मर जाऊंगी। पिछले बार भी मैंने टाइम मांगा था कि मुझे उसे भूलना है, मुझे थोड़ा टाइम दो, सुन ही नहीं रही थी यार। बाद में कोई किसी के बगैर नहीं मरता है यार, तू तो उसको बोल दे डायरेक्ट, बाकी जो होगा देख लियो। कोई किसी के बगैर नहीं मरता है यार, कुछ नहीं होता, वो बस धमकी दे रही है, कुछ नहीं करेगी। तू डायरेक्ट बोल दे जो बात है। पक्का ना? हाँ, पक्का, डायरेक्ट जो बात है वो बोल दे। ठीक है, बोल दे। अच्छा अरे रुक रुक रुक, उसका कॉल आ रहा है। रुक 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 चल रुक रुक रुक, कट कट, ठीक है, लगा बात दे कर मैं तो ले, बात क्लियर। कर। हाँ हेलो। हेलो। बोलिए। काम बिजी थी। अच्छा अरे वो उमंग है ना दोस्त, उससे बात कर रहा था। बोलो तुम क्या कर तो रही हो? मेरे को ना आपसे एक बात पूछनी है। अच्छा पूछो। जो आपने व्हाट्सएप पे कल कहा मुझे, वो सच है क्या? हाँ वो हमारी बात है कल की, तो नहीं क्या मैं झूठ बोल सकता हूँ तुमको लगता है? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। नहीं सीरियसली, आई लाइक यू एंड लव यू यार, सीरियसली।
क्या बोलो। हो गया, चुप क्यों हो गई थी? अरे कुछ नहीं, एक बात बताऊं तुम्हें। बताओ। मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। तो इसका मतलब हम रिलेशनशिप में है ना? नहीं कहा ये, मतलब इसलिए मैं जस्ट बता रही हूँ अपने फीलिंग। अरे ठीक है, आ जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा पता सुनो नहीं। सुनो 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 सुनो, मैं हाँ लगाता हूँ थोड़ी देर से, दीदी का कॉल आ रहा है। ठीक है, टाटा। ठीक है। हेलो, हेलो। किससे बोलो। बात कर रहे थे? तुम्हारा कॉल वेटिंग में आ रहा था। तुमको अब उससे भी क्या प्रॉब्लम है? किससे भी बात करूँ, क्या प्रॉब्लम है तुमको? तुमने देखा नहीं मैंने कितने बार तुम्हें कॉल किया? कब से तो कॉल ट्राई कर रही हूँ, वेटिंग 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 बता रहे हो, पता नहीं किससे बात कर रहे हो। एक बार कॉल उठा भी नहीं सकते हो, अभी उठाया और ना, उसके कट कर बाद रहा था मिस कॉल। कॉल देके समझ कॉल बैक भी नहीं करना ना तो तुम्हें। समझ भी नहीं आता तुम्हें, मैं कॉल कट कर रहा हूँ अभी, उसको होल्ड पे रख के तुम्हारा कॉल उठाना पड़ा है, इतने कॉल करती हो। इतना किससे बात करते रहते हो जो तुमको तुम्हें क्या तुम्हारे पास मतलब है उस टाइम चीज़ से? मैं किसी से भी मतलब करूँ, किससे भी बात करूँ मैं? तुम ये बताओ तुम किससे बात कर रहे थे? जान नहीं है क्या तुम्हें? हाँ नहीं बोलो, बताओ इसके लिए भी हाथ काट के फोटो भेजोगी? यार, हर बार ना ये हाथ काटने वाला बात मत क्या करो ना तुम। मैं जितना पूछ रही हूँ वो बताओ ना पहले। पक्का उमंग था यार, और कौन रहेगा? उमंग था? हाँ सच्ची सच्ची बताओ, हाँ मेरी माँ वही था। तो उमंग से क्या बात कर रहे थे? इतनी अब तुम्हें वो सब देर से बताऊं क्या मैं? बात कर रहे थे? इतनी देर से वेटिंग आ रहा था। तुम मुझे खुल के जीने क्यों नहीं देती? हाँ, जब यार देखो तब बताओ, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। तो उमंग से ऐसी क्या बात कर रहे थे कि तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे? बताओ ऐसी बात करो जिस बंदी है मेरी, वो इतना शक कर रही हो? ना तो क्या बात कर रहे थे? अच्छा बस हमारे बारे में बात कर रहा है, कोई प्रॉब्लम? हमारे बारे में, लो अब हमारे तुमको। बारे में क्या बात कर रहे नहीं थे नहीं उससे? हाँ वही बोल रहा था, अब तुम ये पूछोगी कि हमारे बारे में क्या बात कर रहे थे। बढ़िया तो यार, बताओ ना, मतलब इतना क्या, ऐसा क्या बात आ गया जो तुम उससे हमारे बारे में बात कर रहे हो? प्रॉब्लम में हूँ मैं, मेरे को नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मैं छोड़ना चाहता हूँ तुमको। खुश? क्यों नहीं रहना और तुम्हें मेरे साथ? क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम्हें मेरे तुम्हारे ये साथ नहीं? क्वेश्चंस दिमाग खा जाता है, हर बात पे एक नया क्वेश्चन, आंसर ढूंढ ढूंढ के फट जाती है मेरी। दूसरी बात, कभी कोई चीज़ में फ्रीडम ही नहीं है, कुछ भी करो मानना ही नहीं है यार। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी फ्रीडम छीन रही हूँ या मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, तुम मुझसे बात नहीं करते हो। मैं तुम्हारा वेट करते रहती हूँ, तुम्हारा कॉल आता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ बिजी होते हो, और जब भी तुमसे पूछो तुम कोई ग्रुप में लगे रहते हो। तो मैं क्या करूं, मेरे को नहीं करनी है तुमसे बात, ठीक है? नहीं पहले भी तुमने ऐसा ही किया था, मतलब तुमने पूरे 1 month का टाइम लिया था हाँ तो लिया था, वो। तब मुझे प्रॉब्लम थी, मैं नहीं रह रहा था तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना था, मैं तब भी यही सोच रहा था कि मुझे नहीं रहना है। और सबसे पहली बात, तब मेरा कुछ पर्सनल मैटर था, तुमको अच्छे से पता है, बोला था ना। तो तब तो मैंने तुम्हें टाइम दिया था ना, क्या अभी भी उसी को याद करते रहते हो? अभी भी उसी की याद आती है, अभी तक उसको भूल नहीं पाए हो। किसको? वही अरु को। जो पहली बात तो आरू है, वो नाम ठीक से लो उसका। भी हो, मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ नहीं भूल पाया हूँ, अभी तक उसी को याद करते हो, तो क्या करूँ? तो फिर क्या बोल रहा था वो तुम्हारा फ्रेंड? बताया मैंने उसको सब कि यार भाई ऐसी ऐसी बात है, कोई बात में फ्रीडम नहीं है, जो चीज़ करना चाहूँ करने को नहीं मिलता है। कल तो इंस्टा आईडी पासवर्ड ले लिया इसने, पता नहीं क्या क्या चेक करा होगा। अगर तुम खुद अच्छे से रहोगे ना, अगर तुम खुद मेरे साथ अच्छे से अगर दिन में एक बार भी बात कर लोगे ना, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अच्छे से तो बात करता हूँ मेरी माँ, पर तुम्हारे क्वेश्चंस, हर बात पे एक क्वेश्चन। खाना नहीं खाया? नहीं खाया यार, तो क्यों नहीं खाया? बहन जो भूख नहीं है मेरे को, क्यों खाऊं मैं? तुम उससे बात कर रहे थे? हाँ कर रहा था, क्यों कर रहे थे? तुमने इससे चैट क्यों करी? तुमने इसके फोटो को लाइक क्यों करा? तुमने ये क्यों करा? नहीं तुम ये करोगे तो मैं हाथ काट दूंगी, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगी। क्या है, अब मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, अब बोलो मरूंगी? तो तुमने डिसाइड कर लिया ये? मेरा फिक्स है,
कि तुम्हें मेरे साथ अब रिलेशन में नहीं नहीं रहना रहना है। है मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, समझी? मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। तुम जानते हो ना कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। जानता हूँ मैं, और आज से, जब से वो कांड हुआ है ना मेरी लाइफ में, उसके बाद से तुम आई थी तो तुमसे भी दिल लगने लगा था। देर दो मैंने तुमसे भी बहुत अच्छे से बात करी, देर दो मैंने नहीं, 6 महीने रिलेशन कितना अच्छा बीता, और हाँ, तुम ये तब तो तुम बीच में बहुत अच्छे से रहते थे ना, तो मुझसे इतना दिन इरिटेट भर। क्यों करती हो मेरे को? पहले तो तुम्हें ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी, और अब तुम इरिटेट हो रहे हो। तब नया नया था तुम। अच्छा, तो वो मतलब सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, नया नया रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर बाद में सब गया, कोई मतलब नहीं है अब। तुम मुझे बात नहीं करनी है, ठीक है? मैं रख रहा हूँ फोन, मैं छोड़ रहा हूँ सुनो तुम्हें, तो, तुम निकल जाओ, ठीक है? और एक बात ध्यान में रखना, अभी अगर बोलोगी कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं मर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो एंड ऑल दैट, तो ये फालतू की बातें मुझे नहीं सुननी है। मैं उमंग से वही बात कर ये रहा था, वही फालतू डिस्कस की कर रहा बातें था। नहीं है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्या? मैं उमंग से पता है क्या बात कर रहा था? हाँ, बस यही कि भाई ये लड़की हमेशा धमकियाँ देती है, कुछ कर लूँगी, क्या करूँगी, ऐसा वैसा कर लूँगी, यार फट जाती है मेरी। फालतू में कर लेगी, मेरे पे आ जाएगा पुलिस वुलिस केस, तो मेरे 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 को कौन संभालेगा? क्या होगा मेरा? सोचा है कभी? खुद के बारे में सोचो, ये और नहीं कभी ये सोचा मिलेगा। है कि अब तुम अगर मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? क्या होगा, क्या होना है, कोई और मिल जाएगा मुझसे अच्छा? इतनी ऐसे अच्छी तो हो नहीं मैं होता, यार इतना तुम। इजी नहीं होता है। कुछ महीने लगेगा बेटा, बाद में नहीं, ठीक है? ठीक रहो, खुश रहो, मुझे नहीं करनी है बात, बस मैं तंग आ गया हूँ। मैं पहले तो, चलो एक काम करो ना, बस मेरे को एक क्या महीना दो, 1 महीने 20 दिन दे दो बस। हर बार जब भी कुछ होता है तुम्हें 1 महीना ही चाहिए होता है? कुछ भी हुआ बस 1 महीना दे दो, फिर कुछ हुआ फिर 1 महीना दे दो। बस 1 महीना वेट कर लो, बस 1 महीना मेरे को बस चाहिए, अकेला रहना है, खुद के बारे में सोचना है, मैं नहीं भुला पा रहा हूँ वो सब, ठीक है? सो प्लीज़। नहीं, तुम हर बार यही करते हो, फिर 1 महीने बाद वापस आते हो, और वो 1 महीने का जो टाइम होता है ना, वो मुझे बहुत तड़पाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हें कोई फर्क पड़े ना पड़े, मैं कोई तुम्हें 1 महीना टाइम नहीं देने वाली। क्या मुझे ब्रेकअप करना है, बात कर रहे हो यार, क्यों करना है ब्रेकअप? बस मैं नहीं रहना चाहता, मैं तंग आ गया हूँ ये सबसे, तुम क्यों और नहीं तुमको मेरी समझते हो कसम है, यार, नहीं रह सकती सुनो ना मेरी मैं। बात, तुमको मेरी कसम है, मरने वरने की बातें मत करना, ठीक है? पहले प्रॉमिस करो नहीं करोगी ऐसा कुछ, नहीं, मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर रही करो हूँ, चुपचाप, नहीं तो मैं बात नहीं करना लाइफ नहीं। टाइम। अभी तो भी मैं दोस्त रहूँगा तुम्हारा, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा एज ए बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप में नहीं रहूँगा, लेकिन दोस्त रहूँगा तुम्हारा, बातचीत होती रहेगी। अगर तुम वो भी नहीं चाहती कि मैं तुमसे बात करूँ तो ठीक है, कर लो सुसाइड वाली बातें, वैसे भी जो बात करते हैं ना वो करता नहीं है, हिम्मत लगती है। हिम्मत है उतनी, हिम्मत की बात मत करना। तो चुपचाप से मेरी बात मान लो प्लीज़, तुम्हें कुछ हो गया मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, फालतू मेरे बारे में कुछ कर दोगी तो लिख दोगी किधर, लग जाने मेरे। अगर मैं कुछ करूंगी भी ना तो कभी तुम्हें नहीं फंसाऊंगी, ये याद रखना। कहीं पे किधर तुम्हारा नीचे कुछ नाम नहीं लिखो ना लिखो, आएगा। लेकिन ऊपर भगवान वाला तो लिख देगा ना कि इस बंदे की वजह से इस बंदी ने सुसाइड करा है। तो फिर तुम जा ही क्यों रहे हो? बस मैं नहीं जीना चाहता ये सब, मुझे अकेला रहना है, ठीक है? और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे से भी अच्छी लड़कियां मिल जाएगी मुझे, और तुम्हें मुझसे अच्छा, ठीक है? उमंग से सब डिस्कस किया मैंने, तुमसे अच्छी दे देंगे आज। उमंग जो बोल दिया वो तो फिर फाइनल है, बस क्या एक फाइनल है? उमंग। उमंग ने बोल दिया आपको कि अब आप ब्रेकअप कर लो, तो फिर खत्म कहानी, और क्या। मुझे बात नहीं करना है, मैं फोन रख रहा हूँ, तुम मेरे साथ दोस्त रहना चाहती हो तो सुसाइड वुसाइड वाली बातें मत करना।
हाथ वाथ काटना, खुद को दर्द पहुंचाना, खुशी मिलती है क्या तुमको? खुशी नहीं मिलती है मुझे। तो चलो मैं फ़ोन रख रहा हूँ, ठीक है? तो अब से ऐसी बात करी तो याद रखना लाइफ में कभी बात भी नहीं करूँगा, ठीक है? ठीक है ऐसे तो फिर मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, फ्रेंड, नहीं रहना है फ्रेंड बन के रह ही नहीं सकती। तो सीधे से मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये मरने वरनी बातें नहीं करोगी, करो प्रॉमिस, मुझे अगर तुम जिंदा मेरे देखना साथ चाहती हो तो नहीं रहोगे, करोगी, फिर प्रॉमिस करो, करो क्या? प्रॉमिस पक्का? पक्का? चलो खुश रहो, मैं जा रहा हूँ, और मुझे ब्लॉक कर देना हर तरफ, ठीक है? ब्लॉक टाटा। मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम खुद कर लेना। बाय। ठीक है मैं कर रहा हूँ, टाटा बाय, गुड बाय, कॉल मत करना आगे से। हाँ तो यार गाइज, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया ना तो प्लीज़ यार इसे लाइक कर दो, 700 लाइक्स का एम है, सो करा दो जल्द से जल्द, और सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। और एक गुड न्यूज़ है सभी के लिए कि गाइज, अब से आप लोग हमारे पॉडकास्ट भी सुन सकते हो, वहाँ पे पोइट्रीज और साथ ही साथ हमारी ये जो कॉल कन्वर्सेशन यहाँ पे होती है वो वहाँ पे भी रहेगी। तो जो लोग रात में सुनते हैं मैक्सिमम यूट्यूब ऑन करके, फ़ोन की बैटरी जाती है, बाद में फ़ोन चालू रखना पड़ता है, कभी कभी रात भर नेट चालू रह जाता है तो आगे की वीडियो प्ले होती जाती है, दूसरे दिन का नेट 12 बजे बाद ख़त्म हो जाता है ना, तो इसीलिए आप लोग सीधा ऑडियोज़ डाउनलोड कर सकते हो मेरे, ठीक है? तो पॉडकास्ट हमारे सुन सकते हो एंकर, स्पोटिफाई और ऐसी कई सारी साइट्स पे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग डाउनलोड करके रखना चाहते हो डाउनलोड कर करके रख सकते हो, अगर आप लोग सुनना चाहते हो, जस्ट सुनना चाहते हो तो वहाँ पे सुन सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? सो नो प्रॉब्लम, नो इशू, यहाँ पे सुन रहे हो यहाँ पे सुनो ही, लेकिन आपको उसके लिए एंकर या फिर अपना स्पोटिफाई का ऐप लेना होगा, ठीक है? तो आप ऐप डाउनलोड करिए और हमारे ऑडियोज़ वहाँ पे भी सुनिए, ठीक है? होप सो यू लव इट टू। सो यहाँ पे तो देख ही रहे हो, अगर आपको फिर से सुनने की आदत है तो वहाँ पे सुन ही सकते हो, सो जाके विजिट कर दो, वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना हमें, ठीक है? तो जल्द से जल्द जाओ, देखो, ऐप डाउनलोड करो, बस आपको सर्च करना है मोहित निले, MOHITNILE, ठीक है? आपको दिख जाएगा मेरा आईडी वहाँ पे, मेरा फ़ोटो और रिकॉर्डिंग अभी के लिए एक ही आई है, तो आपने यहाँ पर देख रखी है, लेकिन फिर भी जिनको आप फिर से सुनने की आदत है वो लोग देख सकते हैं। लव यू ऑल, तो ज़रूर जाके विजिट करो, ऐसा नहीं कि नहीं सुनोगे, जाकर कर दो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, ठीक है? लव यू। 15 के 16 जून याद है ना, 6 दिन बचे हैं, देख लो।